जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक प्रकाश किसान ब्लॉग्स के अंदर। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। उम्मीद और आशा करता हूँ आप सभी के परिवार में सभी अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पड़ोस में हमारे काकोसा के खेत में आना, यहाँ पे खेती कर रखे हैं। जैसे मैंने पुराने वीडियो में बता रखा है आपको, इस बार पश्चिमी राजस्थान के अंदर बारिश बिल्कुल कम नहीं हुई है। पीछे आप देख रहे हैं धान दोस्तों पूरा जल चुका है। अभी देख रहे थे कोई आना 15 से 20% आ रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही। राजस्थान गवर्नमेंट कुछ कर रही नहीं है, वो फ्री के अंदर बैठ रहे हैं। कहने का मतलब हम तो ये कह रहे हैं हमको फ्री में मत दीजिए, हमारी है ना जो है ना चीज़ें नुकसान हो रही है वो दे दीजिए बस। लेकिन वो भी है ना वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अभी है ना मैं कि मेरे काकोसा के खेत के अंदर आ गए हैं, ये देख लीजिए दोस्तों। इसके अंदर है ना हमने है ना मोट है ना मोट की बुआई कर रखी है, ये देख लीजिए पूरे है ना जल चुके हैं यहाँ पे। अब दोस्तों ये पूरा खेत में जल गए। हम है ना 20 रुपये या 22 रुपये या 18 रुपये या 16 रुपये में बाजरी है ना पकती है तो हम देते हैं। कहने का मतलब हमारे से है ना किसान की मंडी के अंदर है ना खरीद होती है वो भी सही से नहीं होती है, कहीं कई बार तो 15 और 14 रुपये में भी बेचनी पड़ती है। और वापस हम लेने जाते हैं ना बुआई करने के टाइम, जब है ना 1 kg है ना अलग अलग है ना वैरायटी, ये 150 रुपये के जी, ये 200 रुपये के जी, ये 250 रुपये के जी, आप देख लीजिए वो हमसे ही लेते हैं 15-16 में और वापस हमको मिलती है 200 रुपये 250 रुपये के जी। ये परिस्थिति है, इसलिए बोलता हूँ ये भ्रष्टाचार में तो लिप्त है सारी सरकारें। मेरी तो सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों आप है ना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और है ना उन है ना सरकार तक पहुँचाइए। ये देखिए ये परिस्थिति है, बारिश नहीं होती ये तो भगवान के हाथ में है, लेकिन है ना ये परिस्थिति आर्थिक संबल तो दे सकते हैं ना कि किसानों को, क्या भाई ये इस बार नुकसान हो गया तो आप है ना राजस्थान में काल घोषित कर दे पश्चिमी राजस्थान के अंदर और फिर है ना कुछ है ना सहायता मिल जाए किसानों के लिए। लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे, फ्री में मोबाइल ले दीजिए ऐसे। दोस्तों इस खेत के अंदर आ गए हैं, देख लीजिए ये मॉट वगैरह है ना दोस्तों पूरे जल गए। बारिश नहीं होगी तो फिर जलेंगे ना, ये देख लीजिए दोस्तों थोड़ी थोड़ी फलियाँ लग चुकी है, बाकी पूरा जल चुका है। ये इंश्योरेंस वगैरह गिरदावरी वगैरह कुछ करते ही नहीं है इस बार है ना कुछ है ना। यहाँ पे है ना गहलोत साहब ने कुछ, हमारे सीएम साहब ने कुछ अभियान वगैरह कुछ नहीं चला, बारिश कम है उनको भी मालूम है पश्चिमी राजस्थान के अंदर कुछ बारिश नहीं हुई है, धान जल रहा है सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो अपने इलेक्शन में मस्त हैं और वो अपने वोट के लिए ना कहने का मतलब फ्री में प्रचार कर रहे हैं, कहीं पे धान दे रहे हैं कुछ दे रहे हैं। लेकिन जिन किसानों के पीछे उनकी सरकार चल रही है वो किसान किस परिस्थिति के अंदर है वो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ये स्थिति है, ये देख लीजिए ये बाजरा है, ये बाजरा भी जल गया, इसमें कुछ नहीं होगा। ये आप देख लीजिए 1 बीघे के अंदर है ना 1500-1500 रुपये है ना खर्च आता है लगभग। आप देख लीजिए कहने का मतलब ट्रैक्टर की खड़ाई वगैरह भी होती है, उसमें जुताई करनी पड़ती है, फिर बीज आता है। हम तो है ना 20 रुपये या 22 रुपये में है ना बाजरी देते हैं, लेकिन हम वापस बीज है ना लेके आते हैं ना वो उस समय 150-200 रुपये ना किलो हमसे किसानों को मिलता है। देख लीजिए आपको ये परिस्थिति है और फिर बाद में है ना हमें ना हमको तो मानसिक गुलाम बनाया गया। अभी तक भी हमारे घर में किसानों के घर में आज़ादी नहीं आई है सही से, क्यों नहीं है आपको मालूम है। हम मैंने बीज लेने के लिए जाते हैं दुकानों के अंदर बड़ी होलसेल के लिए, लेकिन हमारे किसान वर्ग के आधे से ज़्यादा है ना भाई लोग पढ़े लिखे नहीं है। जो हमारे 500 रुपये में चीज़ आती है ना वो चीज़ है ना 1500 रुपये करके बैठ देते हैं और एक चीज़ देनी होती है वहाँ पर ना 4-4, 5-5 दवाई दे देते हैं, कहते हैं ये डालिए आप वो, उनको ऐसे मालूम नहीं है। थोड़े से खुद के मुनाफे के लिए हमारे खेत के अंदर उर्वरक क्षमता कितनी कम हो रही है वो कुछ नहीं है। आप ऐसा कुछ अभियान चलाइए किसानों को जागरूक करिए। आपको मालूम है किसानों की ज़्यादातर अमूमन जनसंख्या जो है अभी तक शिक्षा का स्तर कम है, आप है ना शिक्षा का स्तर अच्छा कीजिए, बच्चों को पढ़ाई के पीछे वालों को आगे वाली पीढ़ी, तो चलो हम बिना शिक्षित रह गए तो कोई बात नहीं, पीछे वाली पीढ़ी को पढ़ने के लिए आप अच्छी स्कीम स्टार्ट कीजिए दोस्तों, यही मेरा कहना है आपसे। अभी मैं आपको किसानों से मिलवाता हूँ, ये है ना तो दोस्तों ये देख लीजिए मैं आ गया हूँ, ये है ये किसान भाई और है ना ये नेता लोग है ना ये जहर फैलाते हैं, ये सारी जाति के हैं इधर, ये नायक भी है और इधर मेघवाल भी है राजपूत भी है, सारे भाइयों के जैसे काम करते हैं और इलेक्शन आते हैं तो इनको भी लड़वा देते हैं। ये देख लीजिए है जैसे ये ना जल गया तो भी है ना ये मेहनत कर रहे हैं किसान और अपना लेके है ना लेके कभी थोड़ा बहुत तो बीज हो जाए, लेकिन है ना ये इलेक्शन आएगा उस समय हमको भी लड़वा देंगे। वो कहेगा जाट नेता है, वो कहेगा भील नेता है, वो कहेगा मेघवाल नेता है, वो कहेगा राजपूत नेता है और बाकी तो हम तो है ना 12 मास है ना यहाँ पर ही रहते हैं और है ना भाइयों के जैसे रहते हैं। वो उधर है वो वाले, वो मेरे चाचा जी है वहाँ पर और उनके पास में है ये नायक है, लेकिन प्रेम भाव इतना ही है, कोई भेदभाव वगैरह कुछ नहीं है। इधर ये और मेरे काकोसा खड़े हैं और यहाँ पे ये दलपत राम जी, इनके बुआई कर रखा है, इनसे भी मैं पूछूंगा, इनसे मैंने अभी बात की, इन्होंने बताया इनका नाम दलपत राम जी है, मैं इनसे बात करूंगा इनका कितना खर्चा लगा हुआ है फिर आपको बताऊंगा। साहब से आपसे रिक्वेस्ट इतनी है, कहने का मतलब आप है ना गरीब किसान के बारे में सोचिए, हमारे बच्चे है ना अच्छे से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, ना उनको मेडिकल सुविधा प्राप्त होती है हमारे। आप देख लीजिए कहने का मतलब है ना राजस्थान के अंदर है ना महिलाओं और बच्चों के ऊपर कितने दुराचार के अंदर देश के अंदर फर्स्ट नंबर है, ऐसी परिस्थिति हो गई है। आप बहुत अच्छे हैं
सीएम साहब आपको मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप अधिकारी को साथ में है ना अच्छी मीटिंग लेके कहने का मतलब ये चीज़ें नहीं हो रही है। आप है ना टाइट करेंगे तो फिर बाद में वो हड़ताल कर लेंगे। आपने स्कीम भी अच्छी चलाई थी वो हमारे लिए कि भाई गरीबों के लिए कि वो कहने का मतलब राइट टू हेल्थ है, प्राइवेट हॉस्पिटल में आ जाते हैं तो फिर इलाज भी जरूरी है, वो है ना फिर नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने उन्होंने प्रोटेक्ट करके फिर आपको वो कानून वापस लेने पर मजबूर कर दिया था। आप अच्छे हैं लेकिन आप है ना शिकंजा कसे इन अधिकारियों पे, नहीं तो है ना हम किसानों के लिए कभी नहीं हो पाएगा। 70 साल हो गए आज़ाद हुए लेकिन हमारे घर पे है ना अभी तक खुशियाँ नहीं आई है, हमको आज़ादी नहीं मिली है, हम तो या तो है ना मुहाजा। तो दोस्तों ये देखिए लक्ष्मण राम जी, ये बताएंगे कितने रुपए लगे हैं। राम राम जी, क्या नाम है आपका जी? लक्ष्मण राम जी है मेरा नाम। ये आपने बुआई कर रखी है हमारे काकोसा के खेत के अंदर? आप कौन से जाति में? भील। अच्छा भील यानी नायक। नायक। अच्छा अच्छा, तो आप ये बताइए आपका खर्चा कितना लग चुका है? ये आधा तो जल गया है, इसमें तो ये 15-20% ही बचा है, कितना खर्चा लग चुका है? तवी लगी है। अच्छा अच्छा, एक घंटे के कितने लेते हैं? 1000 रुपए है, 1100 है, 800 है, कितने रुपए लगते हैं? 800 रुपए। अच्छा अच्छा, और कहने का मतलब इसके अंदर बीज लगा दिया 70 किलो, फिर भी स्प्रे भी हुआ होगा? स्प्रे भी हुआ। इसका खर्चा कितना आ गया इस बाजरी और इसके अंदर आपके कहने 25,000-30,000? वो मोटा मोटा बता दीजिए, ऐसे है ना अपने सब मालूम है उनको। लगभग 40,000 रुपए। 40,000। और ये ना आप देख रहे हैं ये धान वगैरह दोस्तों इतना जल गया, ये कितना हो जाएगा आपको अंदाजा कहना, कितना लॉस होगा, कितना फायदा होगा? लॉस होगा सर लगभग 5-6 क्विंटल होगा ये। अभी 5-6 क्विंटल हो जाएगा तो आपके कहने का मतलब वो खर्चा निकल जाएगा या खर्चा नहीं निकलेगा? खर्चा नहीं निकलेगा। अच्छा, तो ये आप राजस्थान गवर्नमेंट से क्या मांग करना चाहते हैं ये बता दीजिए? खर्चा हो जावे तो मांग यही। दोस्तों ये ज्यादा से ज्यादा है ना ये फैलाइए वीडियो को अंदर, कुछ है ना आप है ना पुण्य के भागी बन जाइए, किसान के लिए कोई आर्थिक मदद हो जाएगी तो बाद में आपको है ना हमारे हृदय से दुआ निकलेगी और आपके परिवार में कभी कष्ट विपदा नहीं आएगी। आप इसको ज्यादा से ज्यादा, आप कुछ समय मत दीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ट्विटर पे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, कहीं पे भी शेयर कीजिए, राजस्थान गवर्नमेंट तक ये पहुंचा दीजिए। ये परिस्थिति है, बारिश तो नहीं हुई, ये तो भगवान के हाथ में है, लेकिन आप है ना हमसे वोट लेते हैं लोग वापस है ना, हमको थोड़ा बहुत है ना सुविधा तो मिलनी चाहिए ना। ये है ना ये तो नहीं बताएंगे कहने का मतलब कितनी घाटा हुआ है कितना नहीं हुआ है, लेकिन है ना ये फिर भी खुश है, इनके चेहरे पे देख लीजिए, ये चेहरे पे इनके मुस्कान है, ये फिर भी अपना काम कर रहे हैं कि भाई हाँ कोई बात नहीं अगले साल देखेंगे। लेकिन आप है ना सीएम साहब से इतनी रिक्वेस्ट है सर, इनके लिए कुछ ना कुछ कीजिए, आप थोड़ा बहुत ही कुछ कीजिए, ज़्यादा नहीं दे सकते कुछ कीजिए, फ्री में मोबाइल दे रहे हैं तो इनको भी दीजिए ना, इनको तो अपना इनका खुद का हक तो दे दीजिए सर। जय हिंद दोस्तों, और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तो दोस्तों कहने का मतलब है ना लक्ष्मण राम जी बता रहे हैं 40-45,000 रुपये इनके खर्चा आ गया है, और कहने का मतलब ये बता रहे हैं कि 4-5 क्विंटल इसमें हो जाए ना तो भी है ना इनका घाटा होगा, और इतना होगा नहीं इनको अभी अंदाजा ही बता रहे हैं, ये जले हुए है ना माट गया, आप अंदाज़ा लगा लीजिए 5 क्विंटल, ये तो बता रहे किसान का वो है ना हृदय बहुत बड़ा होता है, वो है ना कहने का मतलब कैसी भी परिस्थिति के अंदर रह जाए लेकिन वो है ना गवर्नमेंट की आलोचना वगैरह नहीं करता है। ये होंगे तो मेरे को तो अंदाजा लग रहा कम होंगे, लेकिन ये बता रहे 5 क्विंटल होंगे नहीं। ये दोस्तों आप परिस्थिति ये देख लीजिए, धान तो जल के आधी सो है ना, ये फलियां वगैरह ये जड़ के है ना नीचे गिर गई है, लेकिन ये तो भी बोल रहे हैं कि भाई अब घाटा होगा, लेकिन इनकी मांग इतनी है कि भाई कहने का मतलब किसानों को थोड़ा बहुत है ना मुआवजा मिल जाए तो भी ये संतुष्ट है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, और आगे गवर्नमेंट तक इसको है ना जितना शेयर कीजिए, जितना हो सके जितना शेयर कीजिए, बस थोड़ी सी है ना किसानों के लिए मदद हो जाएगी, बस ये है।